नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से हम सुनते आए हैं कि भारत और नेपाल के बीच में डिजिटल पेमेंट UPI शुरू होने वाला है। और पिछली खबर ये थी कि नवंबर में ये पेमेंट नेटवर्क शुरू हो जाएगा, जिससे भारत और नेपाल के बीच में पेमेंट लेना बिल्कुल मक्खन के जैसा हो जाएगा। भारत से नेपाल और नेपाल से भारत UPI के थ्रू वन क्लिक में पेमेंट पहुंच जाएगी, और इसका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे नवंबर में, लेकिन ये नवंबर में लॉन्च ही नहीं हुआ। कारण क्या था, तो इसको बताया नेपाल की मुन्नी राज भंडारी, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है नेपाल क्लियरिंग हाउस एंड पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन की। उन्होंने बताया कि नेपाल इन सभी चीजों के साथ टेक्निकली रेडी है, लेकिन इंडियन बैंक अभी भी इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए और उनकी तरफ से अभी टेक्निकल वर्क बाकी है। उन्होंने बताया कि इंडियन बैंक्स को उनके मोबाइल एप्स अपडेट करने, साथ ही साथ नए पेमेंट फीचर्स को भी ऐड करने, जो कि नेपाल पेमेंट फीचर होंगे, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अब नेपाल में पेमेंट कर सकता है। और ये वन क्लिक पेमेंट कहीं ना कहीं नेपाल की मार्केट को और ज्यादा बूम कराएंगे और एक नेपाल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये इसलिए होगी क्योंकि नेपाल के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे वहां पर UPI चल पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन भारत से बैठे बैठे लोग पेमेंट करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं नेपाल का, या फिर कोई भी नेपाली प्रोडक्ट। तो एक बहुत बड़ा मार्केट नेपाल के लिए खुलने वाला है और ये पेमेंट्स काफी इजी और अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये UPI पेमेंट्स है, तो आप बारकोड का भी इस्तेमाल कर और सारे ही फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि ये पहली बार क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। और इसीलिए पूरे दिसंबर भर अभी 2023 में इस पर टेक्निकल काम चल रहा है भारत की तरफ से, जो कि कहा जा रहा है कि इस दिसंबर भर में खत्म हो जाएगा और जनवरी में ये पेमेंट नेटवर्क शुरू हो जाएगा, जो कि नेपाल और भारत के लिए एक बड़ी बात होगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं और जो भी यूथ है, उसको मुझे लगता है इस दिशा में अच्छे से काम करना चाहिए नेपाल में, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है आपके लिए। आपकी क्या है इस पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें, और ऐसे ही देखते रहिए NINews with Shivam।